देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ छलावे में अब देश को छेद करना, यानी छल के उस छलावे में छेद करना, इसका मतलब आप समझिए। दरअसल वोट बैंक की राजनीति में देश ने न जाने कितने तबके हिंदू मुस्लिम किया, आज भी यही हुआ है। छोटी सी बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है, उसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। गुरुग्राम की ताजा घटना इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। गुरुग्राम में आपको बता दें, रमजान के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। नमाज पढ़कर लौट रहे एक नमाजी पर हमला किया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी टोपी उतार दी गई और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस में FIR दर्ज कराते वक्त पीड़ित ने इस तरह के एक भी आरोप नहीं लगाया। मतलब ये सब प्रोपेगेंडा था क्या? पहले हम आपको सुनाते हैं। तो पहले आपको नमाज पर नमाज पढ़ के आ रहा था सवा 10 बजे रात को, तो उसी टाइम 6 लड़के आए, उस पर मेरे को बोला है बोले टोपी वाले रुक, तो उसके बाद मैं रुका, उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, गाली वाली देने लगा कि तुमको पता नहीं इस एरिया में टोपी पहन जाना अलाउड नहीं है, टोपी उतारो। टोपी मेरे को थप्पड़ मार के उतार दिया, फेंक दिया नीचे, गाली गुलम करने लगा, भारत माता की जय बोलो, ये सब उल्टा पुल्टा पूरा बकने लगा, जय श्री राम लगा। उसके बाद कुर्ता उर्ता फाड़ दिया, मैं हत्ता बजे कर दो तीन फैट मार दिया, मैं चक्कर लगा वहीं पे गिर गया था। तो सुना आपने बरकत आलम ने कहा क्या है, अब आपको राजीव कुमार ACP सिटी गुरुग्राम के स्टेटमेंट भी सुनाते हैं। इस मामले में पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आया है आपको ये मालूम चल जाएगा। कंप्लेनेंट ने भी कहा है कि उसने अत्यधिक मात्रा में शराब पी हुई थी, शराब के नशे में इसका झगड़ा हुआ है। अब झगड़े के दौरान क्या शब्द कहे गए नहीं कहे गए ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो स्पॉट पे जो लोग प्रेजेंट थे उनने इस बात की पुष्टि नहीं की है। मेरी सभी से अपील है कि धार्मिक इसको रूप ना दिया जाए, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल क्लियर कर देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मतलब ये दो लोगों का झगड़ा, यानी कि सिर्फ दो लोगों का झगड़ा, और अभी तो कोई नई गवर्नमेंट आई नहीं, अभी उसने शपथ नहीं ली, पहले से आप देख रहे हैं अमन की एक नैरेटिव सेट करने की। मतलब हो सकता है व्हाट्सएप पर आपके पास भी खबर पहुंची हो, इसलिए हम बार बार कहते हैं सांप्रदायिक झगड़ा है ये सब चीजें। हाँ। खबर को आप आगे ना सर्कुलेट करें ना बढ़ाएं, हो सकता है ये फेक न्यूज थी जो फैलाई जा रही थी, इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही थी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, आपसी झगड़े का मामला था। नहीं, जाहिर सी बात है, आपसी झगड़े के मामले को कैसे लिंचिंग में तब्दील कर दिया जाता है, ये कुछ उस तरीके की कोशिश की गई, लेकिन ACP ने साफ कर दिया, यानी गुड़गांव में ये झगड़ा था, मामूली झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं इस तरह की कोई भी घटना पर फौरन यकीन ना करें। तो ऐसे में फेक न्यूज, व्हाट इज फेक न्यूज, जो कि हम लगातार कह रहे हैं गुरुग्राम जैसी घटना पर फौरन यकीन ना करें, फौरन रिएक्ट ना करें, तुरंत ये कहीं आगे आप फॉरवर्ड ना कर दें आपके पास आई हो तो। इसके अलावा व्हाट्सएप फेसबुक पर चल रही अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए होती है, जहर समाज में घोलने के लिए इस तरह की फेक न्यूज को फैलाया जाता है। यकीन का बयान हमने आपको सुना, यकीन करने से पहले था वो पुलिस का बयान जरूर सुने जो जी न्यूज ने आपको सुनाया। हो ये सकता है कि आप जिसे सांप्रदायिक झगड़ा समझ रहे हैं वो दो लोगों के बीच का झगड़ा हो, भाई दो पड़ोसियों के बीच का झगड़ा हो, या फिर इसके पीछे कोई और बात हो। गुरुग्राम मामले की तरह दो लोगों के बीच का विवाद जैसे सामने आया ना, आपने देखा उसके कैसे लोगों ने इसको फेक न्यूज बना करके रिएक्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, आपकी एक गलती, बिल्कुल एक गलती से देश में गलत संदेश जा सकता है, हो सकता है आप भी फेक न्यूज पेडलर बन जाए उस चीज को बाय मिस्टेक आगे बढ़ाते हुए। अगर आपके पास कोई भी ऐसी न्यूज आती है तो आप उसको कन्फर्म करें, पुलिस से कन्फर्म करें, फेक न्यूज पेडलर आप लोग ना बने, उसको वहीं ब्लॉक कर दे इस तरह की खबर अगर कोई फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार फिर वापस हम आपसे पीएम मोदी की बात करते हैं। मोदी की बात यह कि पीएम मोदी ने काशी में यह संदेश और संकेत दोनों दिए कि देश अब बदल कर रहेगा, नया भारत बनाना है तो उसमें सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतना होगा, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। पीएम मोदी की ये बातें हमने आपको बताई, अब आपको पीएम मोदी